नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। इस YouTube चैनल में मैंने आपको हमेशा अपने अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव बताए हैं, तो आध्यात्मिक अनुभव जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हैं, आधुनिक जगत से रिलेटेड भी हैं। जी हाँ, एक बार मैंने एक ऐसा प्लेन देखा था जो अत्यंत विशाल था और उसकी जो छत थी वो कांच से बनी हुई थी। जी हाँ, ट्रांसपेरेंट थी और उसमें एक व्यक्ति बैठे हुए थे बहुत ही अच्छे कपड़े पहन करके, सूट पहन करके, और भारी शरीर से भारी थे वो। और पूरा प्लेन खाली था, बस वो अकेले बैठे हुए थे उसमें और बाकी स्टाफ था जो दूर था। मैं भी उनमें एक था, स्टाफ में ही था मैं भी। और मैंने देखा कि मैं वहाँ पर बातें कर रहा हूँ तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं चुप हो जाओ, यहाँ पर चुप रहना पड़ता है। तो देखिए, वो भगवान ही थे पर वो एक अलग रूप था उनका। और हमको आध्यात्मिक अनुभवों में जितने भी प्रकार के आज तक दृश्य दिखाई दिए, जिन व्यक्तियों से हम मिले, वास्तव में वो भगवान ही थे जो अलग अलग रूपों में हमको दर्शन दे रहे थे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, कण कण में भगवान है, ईश्वर है। तो मेरा ये कहना है कि हर एक व्यक्ति में ईश्वर है, और यही बात समझाने के लिए भगवान हमको इतने सारे आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। तो उस आध्यात्मिक दृश्य में मैंने देखा कि ऊपर से एक ऐसा हेलीकॉप्टर आया जिसमें दो पंखे थे और वो एकदम से ऊपर से नीचे आया, ऐसा लगा जैसे उससे टकरा जाएगा। और मैंने आंखें बंद कर ली, ऐसा लगा मुझे कि वो एकदम से नीचे आके टकरा जाएगा। अब इस प्रकार का जो दृश्य है, तो देखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं जो भारत ने खरीदे हैं, अमेरिका से ही खरीदे हैं, और भी पता नहीं क्या नाम है उनका, मुझे याद नहीं है, पर वो दो पंखे लगे हुए हैं उनमें और उनसे सप्लाई की जाती है साजो सामान की एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मिलिट्री जो काम होते हैं मिलिट्री के, तो वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर हथियारों की सप्लाई के लिए या फिर जिस काम के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत गिनती के हैं, ज़्यादा नहीं है वो हमारे देश के पास। तो ऐसा है, सचमुच है ऐसा। पर इस प्रकार का हवाई जहाज सारे संसार में कहीं भी नहीं है जिसकी पूरी छत कांच से बनी हो। पर मुझे पता लगा कि दुबई के इंजीनियर इस प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा हवाई जहाज ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब उसकी जो दीवारें हैं वो ऐसे पदार्थ से बनाई जाएंगी जो ट्रांसपेरेंट होगा। और अब ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऐसे उदाहरण हैं जो भगवान ने हमको इस प्रकार से दिखाए। फिर इसका एक और रूप आपको दिखाता हूँ, फ्री फायर जो गेम होता है उसमें मैंने इस प्रकार का दृश्य देखा था जो बच्चे खेलते रहते हैं, और मेरी नज़र एकदम से उस पर आकर के रुक गई थी। फिर मुझे लगा ये तो दृश्य मैंने देखा हुआ है आध्यात्मिक अनुभव में। तो इतनी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं किसी भी आध्यात्मिक अनुभव में कि वो, अब देखिए ये जो गेम्स होते हैं इनमें पूरे वो मिलिट्री ऑपरेशन ही दिखाए जाते हैं ज़्यादातर, और युद्ध के दृश्य होते हैं और बच्चे बहुत ही चाव से इनको खेलते हैं। फिर असली जब आध्यात्मिक अनुभव उनको प्राप्त होते हैं तो उनमें एक साथ असली जगत को भी और वर्चुअल रियलिटी को भी अपने अंदर समाहित करने की शक्ति होती है। और हम इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव की चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।